जय हिंद दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसे हम गूगल पे मान लें, फ़ोन पे मान लें, पेटीएम मान लें, इस तरह के बहुत सारे पे है जो यूज करते हैं हम लोग, या फिर आपके पास कोई बचत खाता है, सेविंग अकाउंट, इन दोनों के बारे में लोगों ने सवाल किया है कि कितना का लेन देन करेंगे कि टैक्स का नौबत नहीं आएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स का कोई नोटिस नहीं आएगा। तो UPI के बारे में और सेविंग अकाउंट के बारे में, दोनों के बारे में मैं क्लियर सारी चीज़ बताऊंगा। और आपको बता दूं कि ज़्यादातर UPI जो होता है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो भी किसी न किसी खाता से लिंक ही होता है, किसी न किसी बैंक से आप लिंक कर रखे होते हैं अपने खाता से, सेविंग अकाउंट से, और वहाँ से लेन देन आप करते हैं। तो ये सवाल कई लोगों ने किया इससे पहले, हालांकि इस पर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज मैं सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा आपको। पूरा वीडियो में आप जरूर देखेंगे, अगर आप गूगल पे यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं, या फिर आपके पास बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखेंगे, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और आपको ये शंका कभी भी नहीं रहेगा कि मैं लेन देन कर रहा हूँ तो मुझे कितना पर टैक्स देना है, नहीं देना है, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, मन में कोई सवाल प्रश्न रह जाएगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, इसी प्रकार से क्लियर करता रहूंगा, बार बार मैं वीडियो बनाकर हर चीजों को क्लियर करता हूं जो लोग सवाल करते हैं। आते हैं सीधे मुद्दों पर। मैं आपको बता दूं कि UPI के द्वारा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उससे जो लेन देन करते हैं, तो आपको बता दूं कि ये छोटे लेन देन के लिए होता है। UPI जो होता है ये छोटे लेन देन के लिए होता है, जैसे आप कहीं खरीदारी कर रहे हैं, सामान की खरीदारी कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, आप कहीं ओला से यात्रा कर रहे हैं, ऊबर से यात्रा कर रहे हैं, कैब से यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट निकालना है, फ्लाइट का टिकट निकालना है, या फिर किसी दुकान में खरीदारी की है 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया का, तो वहाँ पर हर जगह आप UPI के द्वारा आप वहाँ पर कर देते हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, या फिर जो भी आपके पास है उससे आप पे कर देते हैं, तो आपके अकाउंट से करता है, या फिर वॉलेट में आप पैसा रख रखे होते हैं अकाउंट से उठाकर, तो वहाँ से करता है, कहीं से न कहीं से कटता है। तो ये ट्रांजेक्शन होता रहता है, लोगों को ध्यान नहीं रहता है। अब इसका लोग लिमिट पूछते हैं, अब साल में हो सकता है कि आपका 5 लाख रुपया भी ट्रांजेक्शन हो जाए, 10 लाख भी हो जाए, 2 लाख भी हो जाए, 1 लाख भी हो जाए, ये ट्रांजेक्शन हो जाए, तो डर लोगों को लगा रहता है कि क्या होगा, कितना का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ट्रांजेक्शन का इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, UPI के द्वारा लिमिट है, फोन पे है, गूगल पे है, या पेटीएम है, उसमें लिमिट है कि एक दिन में 1 लाख रुपया से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। आप करके देखेंगे, 1 लाख रुपया करेंगे उसके बाद दोबारा ट्रांजेक्शन हो उस दिन नहीं हो, 24 घंटा तक नहीं होता, वो भी 1 लाख एक बार नहीं होता है, 25-25 हज़ार रुपया करके आप किसी नंबर पर कर सकते हैं। अगर किसी के बैंक अकाउंट पर करते हैं तो फिर 1 लाख एक बार कर सकते हैं, 50-50 हज़ार रुपया करके कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब टैक्स की बात है तो उसमें बहुत सारे लोगों को डर रहता है। तो आपको बता दूं कि साल में 2 लाख हो 4 लाख हो 3 लाख हो 5 लाख हो कितना ट्रांजेक्शन हुआ आपको ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आप जब बैंक का पासबुक स्टेटमेंट निकालते हैं या पासबुक अपडेट कराते हैं तो आपको पता चलता है कितना मैंने ट्रांजेक्शन कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, इसमें टैक्स का किसी प्रकार का कोई झंझट नहीं है, कोई लोचा नहीं है, क्योंकि यहाँ आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेविंग अकाउंट पर जो लेन देन कर रहे हैं, आते हैं आप सेविंग अकाउंट पर जो लेन देन आप कर रहे हैं, तो उसका एक लिमिट है, एक दायरा है। अब लिमिट क्या है, सरकार ने लिमिट बनाया है कि साल में 10 लाख रुपया से ज़्यादा कैश लेन देन नहीं कर सकते, मतलब कैश पैसा 10 लाख रुपया से ज़्यादा लेन देन वहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ना रख सकते हैं, ना निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, रख सकते हैं कब, जबकि आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, मतलब उससे ज़्यादा करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट जो होता है, तो ये लिमिट किसके लिए है, आपका इनकम के लिए है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग डर जाते हैं, इनकम के लिए। इनकम क्या, आपका कमाया हुआ बचाया हुआ पैसा जो इनकम का होता है, वो सेविंग अकाउंट पर अगर ट्रांजेक्शन होता है 10 लाख से ऊपर तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। 5 लाख रुपया से ऊपर आपका इनकम है तो आप ऐसे भी ITR फाइल कर सकते हैं, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता। उससे ऊपर होता है तो एक दायरा है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन 10 लाख रुपया तक आपको किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। रही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का, तो उससे ज़्यादा भी बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ अकाउंट पर लेन देन होने से टैक्स देना पड़ेगा या फिर इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, 10 लाख नहीं 15 लाख भी 20 लाख भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आपका हो जाता है, लेकिन उसमें इनकम आपका 5 लाख ही है, आपका इनकम 10 लाख ही है, इनकम आपका 15 लाख ही है, तो उसी हिसाब से आपको टैक्स देना है।
बाकी ट्रांजेक्शन का आपको सोर्स बताना है। अगर इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ भी जाता है बाय द वे, ऐसे आता नहीं है ज्यादातर मामलों में, लेकिन 10 से ऊपर अगर हो जाता है तो कभी कभी बैंक इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती है। आप 15 लाख 20 लाख 25 लाख साल का अगर ट्रांजेक्शन कर लेते हैं सेविंग अकाउंट पर 2-3 साल, तो इससे क्या होता है बैंक को डाउट हो जाता है कि ये बंदा का इतना इनकम है और ये इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देता है। आप भरते भी होंगे तो बैंक को ये पता नहीं, तो डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर देती है, तो आपके पास नोटिस आ जाता है। अब नोटिस आने की परिस्थिति में आपको ये ध्यान रखना है, ये ख्याल रखना है कि जो पैसा मैंने ट्रांजेक्शन किया इसमें मेरा इनकम कितना है, और बाकी जो बेवजह के आपने लेन देन किया है, किसी का पैसा मंगाया है, किसी को दिया है, कहीं भेजा है, उसका आपको सोर्स रखना पड़ेगा, बताना है वहाँ पे कि ये मेरा इनकम नहीं। नोटिस आ भी जाता है तो आपको, हाँ नोटिस का मतलब है आपको क्लियर पूछा जाता है कि ये सोर्स बताइए पैसा आया कहाँ से। आप सोर्स बता देते हैं कि नहीं ये पैसा मेरे रिश्तेदार का था, या फिर आपके घर में 10 सदस्य है तो वो कमाने वाले हैं, उनके पास अकाउंट नहीं है तो मेरे अकाउंट पर ट्रांजेक्शन किए, या फिर मेरे अकाउंट पर रख दिए, या फिर उनके पास अकाउंट था भी तो किसी कारणवश कोई काम के द्वारा यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। अगर कोई सोर्स आप बता देते हैं, ठोस बातें बता देते हैं जो ठोस हो, जो लगे कि सही में ऐसा हुआ होगा, तो आप कारण बता देते हैं, सोर्स बता देते हैं, तो फिर कोई दिक्कत टैक्स का चक्कर नहीं आता है। इनकम टैक्स को आप सोर्स बता के अपना जान छुड़ा सकते हैं, अपना पीछा छुड़ा सकते हैं। तो आपके इनकम पर, आपका इंडिविजुअल पर्सनल जो इनकम होता है और जो बैंक अकाउंट पर रखा रहता है या फिर लेन देन करते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो आपको पता है ये 10 लाख रुपया तक ऑनलाइन धराधर कर सकते हैं, कोई टैक्स का चक्कर नहीं है। चाहे UPI से कीजिए, चाहे ATM से निकालिए, चाहे बैंक के द्वारा कीजिए, उससे ज़्यादा होता है तो आपको सोर्स बताना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपको इनकम टैक्स भरना है। उसमें चोरी नहीं करना है, ये नहीं कि आपका पैसा है और आप गलत सोर्स बता के बच रहे हैं, तो ज़्यादा दिन आप नहीं बच पाएंगे। इसके लिए आपको तैयारी रखना पड़ेगा, आपको सोर्स बताना ही पड़ेगा। तो ये सब सिस्टम है, तो ये क्लियर है कि UPI से लेन देन करते हैं उस पर टैक्स का कोई टेंशन नहीं है, कोई झंझट नहीं है, क्योंकि उसका दायरा लिमिट है। ये उसको पता ही है कि सामान खरीदारी करने के लिए पे कर रहा है बंदा, कहीं ट्रेवल करने के लिए पे कर रहा है, टिकट निकालने के लिए पे कर रहा है, कहीं दोस्तों को पे कर रहा है, तो इस पर टैक्स का वैसा कोई चक्कर नहीं है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था इससे पहले, उसमें बताया था कि टैक्स लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल किए हैं कि भाई आप बताते हैं कि टैक्स लगेगा, कभी बताते हैं नहीं लगेगा, तो वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि टैक्स सही में सही बताओ तो टैक्स नहीं लगेगा। कब नहीं लगेगा आप सोर्स बता दे रहे हैं, तो जैसे कि सीधा बता रहा हूँ, एकदम सीधा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपका साल का 10 लाख रुपया का ट्रांजेक्शन है, लेन देन है अपने अकाउंट पर अपने से, लेकिन कभी हुआ क्या कि इमरजेंसी में कभी कोई बंदा हॉस्पिटल में भर्ती है, कहीं किसी को आपको पैसा देना है, तो आपने वहाँ पे जमा करके उस पैसे को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर कोई व्यक्ति कहीं बाहर में है, उसको जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे फी आपने ट्रांसफ़र कर दिया 2 लाख 4 लाख 5 लाख एक बार, या फिर कोई आपके घर के सदस्य, कोई व्यक्ति कहीं बिजनेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, आपको ज़रूरत हुआ, उन्होंने पैसा दिया, आपने अपने जमा करके अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे UPI से है चाहे अकाउंट से, तो आपको सोर्स पता है कि आपने किसका पैसा ट्रांसफ़र किया है, किसके द्वारा किया है, कहां से किया है, किसने आपको पैसा दिया है, वो आपका उसका कुछ प्रूफ रखना पड़ेगा, आपको रिसिप्ट रखना पड़ेगा। कभी वैसा नोटिस आता है इनकम टैक्स का, कभी आपसे पूछा जाता है, तो आप सोर्स बता सकें, फिर टैक्स का कोई झंझट नहीं आता है, क्योंकि एक पैसे का 2 जगह टैक्स नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई बिजनेस कर रहा है या कुछ कर रहा है या फिर कहीं भी पैसा लेन देन हो रहा है, तो वो व्यक्ति तो टैक्स दे ही रहा होगा, नहीं दे रहा है वो टैक्स के दायरे में नहीं आ रहा है तो नहीं दे रहा है, तो भी उसको तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, तो वो पैसा उसका है तो आप पर किसी प्रकार का आंच नहीं आएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो अपना इनकम जितना है उससे ज़्यादा भी कर लेते हैं, आपके पास सोर्स है, पता है कि हम बता सकते हैं, मुझे पता है किस चीज़ का पैसा मैंने लेन देन किया है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल इनकम है अगर ज़्यादा, तो फिर ITR भरे, टैक्स दे, ऐसे किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये डर मन से निकाल दें कि UPI से आप लेन देन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगेगा, डर आपका बना रहता है, या फिर सेविंग अकाउंट से लेन देन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको टैक्स लगेगा। हाँ, इतना है कि आप सेविंग अकाउंट पर एक मुश्त पैसा 5 लाख रुपया से ज़्यादा ना रखें, मतलब 5 लाख रुपया मैक्सिमम रखे उस पर। अगर उससे ज़्यादा रेगुलर आप 8 लाख है 10 लाख है 20 लाख रुपया रेगुलर अगर 2 साल 3 साल 4 साल उस पर रखते हैं, तो फिर आप टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपया तक ही, 2.5 लाख रुपया तक तो पूरे तरीके से छूट है इनकम टैक्स। 2.5 लाख रुपया सालाना आपका इनकम है तो पूरे तरीके से छूट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन 5 लाख आपका सालाना इनकम हो जाता है तो फिर आपको सोर्स बताना पड़ता है, खर्च बताना पड़ता है। अगर खर्च बता देते हैं कि आपका ये खर्च ये है, बच्चों का फीस है, आपका LIC का प्रीमियम जाता है, गाड़ी का EMI जाता है, तो ऐसे करके 5 लाख रुपया तक छूट, एकदम आसान भाषा में समझा रहा हूँ, 5 लाख रुपया तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है ऐसे करके। उससे ऊपर जाता है
तो नाम मात्र का थोड़ा सा टैक्स आपको देना पड़ता है। लेकिन वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है 10 लाख रुपया तक, तो फिर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर 10 लाख रुपया से ऊपर अगर जाते हैं आप, तो सोर्स आपको पता है 2-4 लाख 10 लाख रुपया का, कि कहाँ से किसका पैसा हुआ है, तो भी आप बच सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा होता है, अधिक होता है, लिमिट से ज़्यादा क्रॉस करता है, आपको पता भी नहीं है सोर्स, सही में आपका इनकम है, आप छुपाना चाह रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, इनकम टैक्स से आप बचना चाह रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, नोटिस आएगी, बार बार नोटिस आएगी, जमा नहीं करते हैं तो फिर आपको पेनाल्टी के साथ कभी टैक्स भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाया हूँ, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आया हो, आपको कन्फ्यूजन कुछ रह गया हो, तब कमेंट बॉक्स में लिखिए, पर्सनली सवाल लिखिए और उसको व्यक्तिगत उसी सवाल पे मैं अब वीडियो बनाऊंगा। जैसे जैसे लोग सवाल करेंगे, हर सवाल पे एक एक सवाल पे छोटा छोटा वीडियो बना दिया करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ये वीडियो भी लंबा हो गया हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा आप लोग सवाल करेंगे तो हर सवाल पे छोटा छोटा वीडियो बना दिया करूंगा, ताकि बाकी लोगों को भी आपके साथ हर चीज़ क्लियर हो जाए। दोस्तों बैंकिंग से रिलेटेड हो, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो, या फिर पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो, इस तरह का कोई भी आपके मन में सवाल हो, प्रश्न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ऐसे ही लिखते रहेंगे नया वीडियो के लिए। मेरे सब्सक्राइबर आप अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर आप मेरे, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।